मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम कक्षा 10वीं से संबंधित जो पहला अध्याय है उसका अध्ययन आज हम करने जाने वाले हैं। पहला जो अध्याय पढ़ने से पहले आपका जो पाठ्य पुस्तक का नाम है हिंदी स्पर्श भाग दो, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला जो अध्याय है उसका अध्ययन अब हम करेंगे। जो पहला अध्याय है, जो पहला पाठ है, साखी। साखी इसके कवि हैं कबीरदास जी। और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल करेंगे। इनका जन्म काशी जो है लहरतारा नामक तालाब के पास जो है उसकी एक कथा है, मैं आपको सुनाऊंगा। तो इनका जन्म काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनकी जो 120 तक 20 वर्ष तक ये जीवित रहे, इनके गुरु रामानंद जी थे। और जो है काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास जो ब्राह्मण विधवा महिला जो है उसके गर्भ से पैदा हुए। और लहरतारा नामक तालाब के पास जो समाज के लज्जा के वजह से, समाज में जो लज्जा पैदा होगी इसके लिए वह लहरतारा नामक जो तालाब के पास छोड़कर चले गए। तब उसी समय नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपति इसे लेकर लालन पालन किया। वे खुद अशिक्षित होने के कारण कबीरदास भी ये भी अशिक्षित थे, इनको अक्षरीय ज्ञान नहीं था। बाद में यह वह भ्रमण करके जो है इन्होंने अनुभव के ज्ञान के द्वारा लोगों को जागृति जागृति के लिए जो है पदों के दोहों के माध्यम से जागृति पैदा किया। और कहा जाता है कि इनका जन्म होने के बाद उस समय सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, धार्मिक स्थिति हो, बहुत ही उतनी अच्छी नहीं थी। उस समय उनकी कविता में जो है गहरी गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। सामाजिक चेतना यानी जो तर्क प्रकट होती है। पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की जो है, तीखी चोट किसे की यानी बाह्याडंबर आडंबर जो धर्म में आडंबर है उनके ऊपर गहरी चोट की। दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह और मिलन का भावपूर्ण इन्होंने गीत लिखा है। कबीरदास जी जो हैं शास्त्रीय ज्ञान से भी अपेक्षा अनुभव ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया। शास्त्रीय ज्ञान यानी पढ़ लिख कर जो यानी पुस्तकें पढ़कर जो ज्ञान हासिल करते हैं उसे शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं। अनुभव ज्ञान यानी जो प्रत्यक्ष जो घटित घटनाओं का ज्ञान होता है। और उसी प्रकार इनका विश्वास सत्संग पर था यानी अच्छे संग पर। और उसी वे मानते थे कि ईश्वर एक है यानी ईश्वर अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक है। और वे निर्विकार और अरूप को मानते थे। और कबीरदास भाषा कैसी थी, पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। और देखिए यह अशिक्षित होने के कारण इन्होंने मौखिक रूप से जो साखियां हैं शब्द हैं दोहों को इन्होंने जन जन तक पहुंचाया, लेकिन उनके शिष्यों द्वारा यह लिखित रूप में शामिल हो गए। और ये हिंदी साहित्य के जो हैं आदि भक्ति काल में इनका स्थान जो है ज्ञानाश्री शाखा में माना जाता है। और ये प्रमुख कवि थे और इन ये निर्गुण उपासक माने जाते हैं। और इनकी मृत्यु मगहर में जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई।
और साथ ही यह पाठ जो है कविता का अध्ययन करने से पहले साकी शब्द का हम उसका अर्थ जानेंगे। साकी शब्द यह जो शाब्दिक अर्थ है साक्षी यानी साक्ष यानी प्रत्यक्ष दर्शन, जो प्रत्यक्ष दर्शन गवाह भी कह सकते हैं। आपको पता होगा मैंने कहा था कि जिक्र किया था कि शास्त्रीय ज्ञान से भी ये अनुभव ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान को। उसी प्रकार जो है इन्होंने बहुत सारे जगह जगह भ्रमण करके इस ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को यानी प्रत्यक्ष ज्ञान को हासिल किया है। इनके साकी में जो है अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं का सम्मिलन है, और इसीलिए इनको जो इनकी भाषा को पंचमेल या खिचड़ी कहा जाता है। उसी प्रकार कबीर की भाषा को और एक नाम दिया जाता है, उसका नाम है सदुकड़ी भाषा। और ये जो साकी है यह दोहा छंद में रची गई है। तो अब हम जो कबीर दास द्वारा साकी, साकी का और एक ज्ञान है जो ज्ञान का आंक यानी जो ज्ञान आंखों देखी जो ज्ञान है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश इस साकी के माध्यम से की गई है। तो इन ये आपके जो पाठ्य पुस्तक में लगाए गए साकियों का अध्ययन अब हम करेंगे। तो पहली साकी इस प्रकार है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल कराई, औरन को सुख होई। कबीरदास जी का इस साकी का अर्थ व्याख्या देखने से पहले हम कुछ इसके शब्द के अर्थ देखेंगे। बाणी यानी बोली, जो बोल बोल सकने वाली जो बोली भाषा भी कह लीजिए, और आपा यानी यहाँ पर अहम या अहंकार और घमंड भी कह सकते हैं। खोई खोई यानी जो है त्याग करना, त्याग करना। और शीतल यानी ठंडा यानी अच्छा, यहाँ पर अच्छा जो है अर्थ सही लगता है। औरन औरन यानी दूसरों को हो ई यानी होना। तो इस साकी में कबीरदास जो है प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग दो में संकलित साकी से ली गई है। इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। कबीरदास ने इस साकी के माध्यम से मनुष्य द्वारा अच्छी बाणी बोलने पर जोर दिया गया है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल कराई, औरन को सुख होई। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। यानी इसका अर्थ ये है कि ऐसी बाणी बोलनी है, आपके जो मुंह से मीठी मीठी जो बोल है ऐसी बोल बोलनी है, उसमें आपा यानी अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए। और घमंड रहेगा तो जो सुनने वाला व्यक्ति को दुख, उसके मन में दुख जो है समा जाता है। तो ऐसी कबीरदास कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी मीठी मीठी बोल बोलिए जो उसमें अहंकार यानी घमंड नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं कि अपना तन शीतल करे, यानी जब आप मीठे मीठे बोल बोलते हैं तो आपका जो तन है, तन यानी शरीर जो है शीतल रहता है। शीतल यानी यहाँ पर अच्छा, ठंडा, ठंडे का से भी
उससे भी आपको अच्छा लगेगा, जो अच्छा अच्छा लगेगा आप जब अपना तन शीतल करें, यानी अच्छे अच्छे मीठे मीठे बोल बोलने से जो है आपका जो शरीर है शीतल रहता है, अच्छा रहता है। और उस जो आपने मीठे मीठे बोल से जो जो श्रोता है यानी जो सुनने वाला है वह उसे भी क्या हो जाता है, सुख प्राप्त हो जाता है। यानी आपके मीठे मीठे बोल से वह भी क्या हो जाता है, पुलकित हो जाता है। कितने अच्छे इसके मुंह से जो है वाणी निकल रही है, ठीक है। जो कबीरदास का जो इसमें जो है जो जनता को यह संदेश देना चाहती है कि साकी के माध्यम से आप सभी को ऐसी वाणी यानी अच्छी जो मीठे मीठे बोल बोलना है, और उससे क्या होता है उसमें अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए, दूसरों को दुख हो ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। और अपना इससे क्या हो जाएगा, स्वतः अपना जो शरीर है शीतल रहता है। जब आप गुस्से में किसी व्यक्ति को बात करते हैं तो अपना गुस्से के वजह से आपकी सांस फूल जाती है, आपको नाना पीड़ा उठानी पड़ती है, आपने देखा होगा। इसीलिए औरों को बात करते समय यानी दूसरों को बात करते समय उसमें मिठास होनी चाहिए और उसमें अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए। इससे आपका शरीर भी क्या हो जाता है, जो है शीतल प्रदान करता है, और जो सुनने वाले को भी वह क्या होता है, जो है सुख प्रदान करता है। उसके कान जो है आपके जो बातें और सुनने के भी उसे ललायित होता है। तो कबीरदास यही कहते हैं कि आपको कभी भी हमेशा दूसरों के प्रति जब बात करते समय, वार्तालाप करते समय आपको केवल मीठे बात करने के लिए कहते हैं ना, बल्कि जो है घमंड भरी बातें। इससे आपको भी शीतलता हासिल होगी और दूसरों को भी क्या होगा, सुख प्रदान होगा। तो इस साकी के माध्यम से कवि जो कबीरदास हैं आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आपको हमेशा मीठी मीठी बोल बोलनी है, इससे दूसरों को भी सुख प्रदान होता है। तो दूसरा साकी इस प्रकार है, कस्तूरी कुंडल बसाई मृग ढूंढई बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। इस साकी को सप्रसंग व्याख्या करने से पहले हम इसके कुछ शब्द के अर्थ देखेंगे। कुंडली याने जो है नाभि जो होती है, ठीक है। कस्तूरी यानी यहाँ पर क्या है, यह है एक मृग है, ठीक है, हिरण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मृग यानी हिरण, ठीक है, आप इसका चित्र जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ढूंढे यानी ढूंढना है, बन यानी यहाँ पर जो है वन है, और माही यानी यहाँ पर वह ढूंढता है मैं, ठीक है। ऐसे घटी घटी, घटी घटी यानी कण कण यानी रोम रोम में, ठीक है। दुनिया देखे नाही, दुनिया यानी दुनिया है, देखना नाही यानी देखता नहीं है। तो इसका हम अभी जो है इस प्रस्तुत जो साकी को है, आपको पता है स्पर्श भाग दो से संकलित किया गया है और इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। इस साकी के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि भगवान की उपस्थिति का वर्णन करते हैं, भगवान जो है कण कण में बसते हैं इसका वर्णन करते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मृग है कस्तूरी, जो मृग है हिरण है, उसके नाभि में ही क्या होती है, यह कस्तूरी सुगंध होती है, और वह पागलों की तरह उस सुगंध को ढूंढने के लिए वन वन भटकता है, देखता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि
उसकी जो सुगंध, कस्तूरी की जो सुगंध है उसके नाभि में ही बसी है। वह कस्तूरी उसके नाभि में बसे हुए भी वह वन वन इधर उधर भटक रहा है। उसे उस कस्तूरी सुगंध को ढूंढने में वह वन वन भटक रहा है। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थ में ढूंढता है। यानी उसी प्रकार उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि कस्तूरी मृग जो है, हिरण जो है, जैसे नाभि में ही उसके कस्तूरी सुगंध को बसा हुआ है, लेकिन वह वन वन उसे उस सुगंध को ढूंढते हुए वन वन घूम रहा है। उसी प्रकार वे कह रहे हैं कि संसार में जो जो ईश्वर है कण कण में समाया हुआ है, यह ईश्वर जो है समाया हुआ है, मनुष्य को यह बात से बेखबर है, उसे पता नहीं है, लेकिन वह जो मनुष्य है क्या कर रहा है, ईश्वर को ढूंढने के लिए देवालयों में तीर्थ स्थलों पर जा रहा है, लेकिन वह बेखबर है कि वह ईश्वर जो है कण कण में समाया हुआ है। इसीलिए कबीरदास जी उन मनुष्यों को कह रहे हैं कि जो है अपने शरीर में ही, अपने अच्छे मार्ग से ही जो ईश्वर को ढूंढा जा सकता है, वह ईश्वर आपके शरीर में ही समाया हुआ है। इसीलिए मनुष्यों को कह रहे हैं कि उनको देवालयों में तीर्थ स्थलों पर ना जाकर अपने अच्छे कर्मों द्वारा, अपने अच्छे बोल, मीठे मीठे बोल द्वारा जो है अपने स्वयं का ज्ञान जो प्राप्त कर ईश्वर की ईश्वर ईश्वर को ढूंढ सकते हैं। जो कबीरदास जो है मनुष्य को जो है ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए इधर उधर न भटकते हुए, इसीलिए उन्होंने जो है मृग हिरण का, जो कस्तूरी हिरण का जो उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे वह अपने नाभि में ही रखकर वन वन ढूंढता है, उसी प्रकार आप भी देवालय या तीर्थ स्थलों पर ना जाकर मनुष्य अपने कर्म और अच्छे विचारों से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यह कबीरदास इस साकी के माध्यम से आपको कहने जा रहे हैं। तीसरी साकी इस प्रकार है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो इसके कुछ अर्थ देखेंगे शब्दों के। मैं यानी यहाँ पर अहम, अहंकार हो जाता है, और हरि यानी परमेश्वर, ईश्वर कह लीजिए, हरि, ठीक है, नाही यानी नहीं, तब अंधियारा यानी अंधकार मिट गया, दीपक यानी आपको पता है दीपक, देखिया यानी देखना, माही यानी माही। इस साकी के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि मैं नामक अहंकार जब मिट जाता है तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार यानी उनका दर्शन होता है। और अभी हम उसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं नामक जो अहंकार यानी अज्ञान रूपी जो अंधकार था, वह जो अंधकार को जब मैं अहंकार मिट गया यानी ज्ञान रूपी दीपक जब जल गया तो मेरे हृदय में, तब अंधकार अहंकार नामक अज्ञानी अंधकार जो है मिट गया, और
और मुझे अच्छी जो ज्ञान है वह हासिल हुआ। कबीरदास हम सबको यही कह रहे हैं कि पाठकों को यही कह रहे हैं कि जब तक मैं नामक अहंकार मिट नहीं जाता, यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब मैं नामक अहंकार, जब जो अज्ञान रूपी अंधकार जो है मिट जाता है, तो तब हरि की साक्षात्कार हो सकते हैं, यानी ईश्वर की साक्षात्कार हो सकते हैं। यानी इसका मतलब यही है कि आपको मैं यानी अहंकार जो है छोड़ना है, और हम सब यह जो तत्व है उसे पालन करना है। और आपको जब ये मैं नामक अहंकार छोड़ेंगे तो आपको ज्ञान जरूर हासिल होगा, और आपके जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह मिट सकेगा। यहाँ पर हमने इस साकी के जो तीन साकियों का अध्ययन किया कबीरदास दास द्वारा रचित, तो अगला जो बाकी के जो साकी हैं उसे हम अगले भाग में जो है सविवरण देखेंगे। धन्यवाद।